गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई थिंक यू ऑल विल बी फाइन. के बेटा, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स योर न्यू सेशन विल स्टार्ट. के बेटा, एंड आई विल टीच यू इंग्लिश. ओके, सो बेटा, योर इंग्लिश लिटरेचर में टोटल 11 चैप्टर हैं. ओके बेटा, सो आपके चैप्टर 1 और 2 फर्स्ट यूटी के लिए हैं, फर्स्ट यूटी में आएंगे. 3rd और 4th सेकंड यूटी में, और चैप्टर 1, 2, 6 हाफ ईयरली में. चैप्टर 7, 8 फॉर 3rd यूटी में, चैप्टर 9, 10 4th यूटी में, और चैप्टर 7 to 11 एनुअल में. ओके बेटा, बेटा योर स्कूल विल बी रीओपन फ्रॉम 5th ऑफ अप्रैल. ओके बेटा, लेकिन ये वीडियो हमने आपको ये बताने के लिए बनाई है जिससे कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो सके. तो बेटा, इंग्लिश लिटरेचर में आपको 2 नोटबुक्स बनानी है. के 1 फॉर इंग्लिश लिटरेचर, और 2nd फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस या इंग्लिश ग्रामर. उस इंग्लिश ग्रामर वाली नोटबुक पर हम इंग्लिश प्रैक्टिस का वर्क भी करेंगे, उस पर हम ग्रामर वर्क करेंगे, उस पर हम सीन और अनसीन पैसेजेस करेंगे. ठीक है बेटा, और आपको दोनों नोटबुक्स पर रजिस्टर नहीं बनाने हैं, आपको नोटबुक्स बनानी है और उन पर ब्राउन कवर कर लेना है. ठीक है बेटा, पिछली बार आपने जो है नोटबुक्स नहीं बनाई थी, ठीक है, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, नोटबुक भी बनानी है और अपना सारा वर्क कंप्लीट करना है, जिससे कि क्या होगा बेटा, आपको मार्क्स मिलेंगे नोटबुक्स बनाने के. जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा, ये जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, देखिए इसमें यूटी के मार्क्स इंक्लूड हैं, नोटबुक्स के 5 मार्क्स इंक्लूड हैं, ये प्रोजेक्ट वर्क्स जो आपका लिसनिंग एक्टिविटी है, ओरल, ठीक है, उसके लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम है. तो ये जो नोटबुक्स के मार्क्स हैं, ये 5 मार्क्स हैं बेटा, और ये 5 मार्क्स आपको तब दिए जाएंगे जबकि आप क्या करेंगे, आप वर्क अपना कंप्लीट करेंगे. ओके, पिछली बार आपने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया था, तो जिन बच्चों ने भी पिछली बार वर्क कंप्लीट नहीं किया था, वो बच्चे भी अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि नोटबुक्स के मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड हैं. ओके बेटा, और आपकी जो स्टडी है वो हम कल से शुरू कर देंगे. ओके बेटा, तो थैंक यू एंड हैव अ